तो जो WWE का डे वन 2022 का शो होने वाला है, वहां के लिए जो WWE टाइटल मैच ऑफिशियल हुआ है, वहां पर बिगी अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे प्राइस फाइटर केविन ओवेंस एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के खिलाफ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डे वन PPV से पहले आपको एक ट्रिपल थ्रेड मैच दिखाई देगा, और सिर्फ मैच WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा, बल्कि ये मैच होने वाला है एक स्टील केज मैच। एकदम गलत नहीं सुन रहे हो, एकदम सही सुन रहे हो। और साथ ही में WWE ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े स्टील केज मैचेस चैंपियनशिप मैचेस अनाउंस कर दिए। अब वो कब होने वाले हैं, क्या डेट है, सारी चीजों के बारे में होगी बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आप सभी ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन का तो नाम सुना होगा। हाँ, वही WWE का फेमस वेन्यू, फेमस अरीना, जहां के जो लाइव इवेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा बड़े माने जाते हैं। इवन जो हमने देखा रिसेंटली, एक स्मैकडाउन का शो हुआ था मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, और उसकी जो टिकट सेलिंग एकदम छप्पर फाड़ हुई थी, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्मैकडाउन ने काफी तगड़ा रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन जो WWE रिसेंटली ये बात कंफर्म करती है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एक बार फिर से वो जाने वाले हैं वापस, लेकिन इस बार वो किसी स्मैकडाउन या फिर रॉकी एपिसोड के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि WWE करने वाली अपना लाइव हॉलीडे टूर, ये होने वाला है 26 दिसंबर को। और जिन लोगों ने पता, लाइव इवेंट्स के अंदर वैसे टाइटल चेंजेस नहीं होते, लेकिन अभी तक सिर्फ इकलौता मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक ऐसा शो है, एक ऐसा लाइव इवेंट है जहां पर एक बार टाइटल चेंज हुआ था, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टाइटल चेंज हुआ था, और मेरे हिसाब से वो केविन ओवेंस और एजे स्टाइल्स के बीच मैच था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मैच के एंडिंग में एजे स्टाइल्स न्यू चैंपियन बने थे। तो यहां 26 दिसंबर को होने वाला है WWE का मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो, और वहां के लिए WWE ने अभी से दो बड़े स्टील केज मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। जो पहला मैच होने वाला वो होगा WWE चैंपियनशिप का मैच, बिग ई वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, WWE चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेड मैच इनसाइड स्टील केज। साथ ही में यह बात भी अनाउंस हो चुकी है कि शो पर एक मेन इवेंट नहीं बल्कि डबल मेन इवेंट होने वाला है, और एक और स्टील केज मैच होगा। इस बार मैच होने वाला रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आमना सामना होगा अपनी मैन बिग टाइम बैग्स बेकी का बियांका बेलेयर के साथ में। और ये जो पूरी बड़ी ब्लॉकबस्टर टाइप के अनाउंसमेंट है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में खुद करता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, बताते हैं कि भैया जस्ट ये बात अनाउंस हुई है कि जो WWE फिर से लाइव हॉलीडे टूर के लिए वापस आ रही मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और वहां पर होने वाले दो डबल मेन इवेंट्स, क्योंकि होने वाले दो बड़े स्टील केज मैचेस WWE चैंपियनशिप के लिए एंड रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। अब बहुत से लोगों का मानना ये कि ये जो रॉ वुमेन्स टाइटल का मैच कंफर्म हुआ है ना, इसे ये बात कंफर्म होती है कि जो WWE का आने वाला मंडे नाइट रॉ होगा, वहां पर लिव मॉर्गन न्यू चैंपियन नहीं बनेंगी। उस मैच की जो एंडिंग है वो कुछ और डिफरेंट वे में होगी, लेकिन जो बेकी लिंच है वो अपनी चैंपियनशिप को डेफिनेटली लूज नहीं करने वाली है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये तो चलो बात अलग है, क्योंकि कार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज। हो सकता है WWE लिव मॉर्गन को जिता दे रॉ के अंदर। हमने देखा रिसेंट टाइम में रॉ में काफी बड़े मोमेंट्स हुए, बेकी जो WWE चैंपियन बने लैशली अपनी टाइटल किसी PPV के अंदर नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ में हारे थे। तो पॉसिबिलिटीज भाई किसी भी चीज की हो सकती है। बाय द वे, डे वन PPV से पहले हमें WWE चैंपियनशिप मैच का एक छोटा सा ट्रेलर इस पूरे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट के दौरान मिलने वाला है, और डेफिनेटली उसकी पूरी हाईलाइट वीडियो समेत, यानी कि जो पूरी हाईलाइट वीडियो वाली है, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मजा काफी आने वाला है इस मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट के लिए। ये तो बड़े जो स्टील केज मैचेस अनाउंस हुए, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है तो नीचे कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की इन फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।